नमस्कार साथियों, राहुल जी का स्वागत है। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हेलो, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और हमारे संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी मौजूद हैं। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, वो पहले आपको संबोधित करेंगे, बाद में आपका सवाल जवाब लेंगे। राहुल जी नमस्कार। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया, अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया, मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया, दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। अब आप सवाल पूछिए।
एक एक करके प्लीज हम मोहित आई विल से इट इन इंग्लिश ऑल्सो सॉरी आई विल से इट इन इंग्लिश ऑल्सो द क्वेश्चन बिगिंस फ्यू वीक्स बैक इन पार्लियामेंट वेयर आई आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर ए वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर वन 20,000 crore rupees or $3 billion are in shell companies owned by Mr. Adani. Mr. Adani could not have generated this money. He's an infrastructure business. Where did this money come from? Whose money is it? That was the first question. Whose shell companies are there? These companies are working in the defense field. Why does nobody know whose money this is? There is a Chinese national involved in this. Why is nobody asking the question, who is this Chinese national? That was the first question. Second question was, set of questions with proof. Were, what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? I showed a picture of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing. I gave documentation about the defense industry, about the airports, about statements made in Sri Lanka, about statements made in Bangladesh, pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the State Bank chairman in Australia. And I put this proof on the table. Immediately after that, the BJP started its work. My speech was expunged. I wrote a letter to the speaker with a detailed explanation on the defense industry, on the airports, with press clippings, supporting documents, legal documents, and said, this is the supporting foundation of my speech. I have not made this speech. I have not invented this. This is detailed research. Here it is. Nothing happened. Nothing was revoked. My speech today is not part of the record of Parliament. The same, by the way, was done with Mr. Kharge. After that, BJP ministers lied about me in Parliament. They made the statement to distract from the Adani issue. The whole game, disqualification and all these statements are to distract from the central question, whose money is it? 20,000 crores, whose is it, kiska hai ye? That's the main question. The whole thing is to distract. So, they said that I've asked foreign forces to help India. Most ridiculous statement. I have never made such a statement. You can look at all the conversations I had in the United Kingdom. Not one such statement was made. In fact, I said this is India's problem. India has to resolve this problem, right? A minister lies on the floor of the house. I wrote to the speaker and I said, Speaker, sir, it is my right as a member of parliament when somebody makes an accusation to state my position. Please let me state my position. The first letter is not answered. I then write a second letter with more details saying the names and what was said. Still no answer. I then go to the speaker's chamber and I say, Speaker, sir, what is going on? We live in a democracy. You are the defender of that democracy. Why are you not letting me make my statement? The speaker smiles and says, I cannot do that. Come and have a cup of tea with me. Right? So this is the whole drama that is being orchestrated to defend the Prime Minister from the simple question. Whose 20,000 crore rupees, whose $3 billion went to Mr. Adani shell companies? हाँ जी मोहित, एक मिनट, सबको मौका मिलेगा। राहुल जी, मोहित दुबे हूँ मैं। मेरा सवाल ये है कि आप शहीदों। By the way, sorry, I just need to finish that. I left out a part. Look, I am here defending the democratic voice of the Indian people. I will continue to do that. I am not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I'm not scared of them. Okay? These people don't understand me yet.
आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम. दे आर यूज्ड टू एवरीबॉडी गिविंग स्केर्ड ऑफ देम. आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम. राइट. एंड आई विल कंटिन्यू टू आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर्स रिलेशनशिप विद मिस्टर अदानी. इट इज एन ओल्ड रिलेशनशिप. इट इज अ रिलेशनशिप दैट बिगैन व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. मिस्टर अदानी कंस्ट्रक्टेड द आइडिया ऑफ रिसर्जन गुजरात, ऑर्गेनाइज्ड ऑल दैट. This is a partnership. It's a close partnership. I'm going to keep asking that question. Rahul ji, मैं मोहित दुबे हूँ. मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं. आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए. आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया. क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा. हाँ जी अनवर, अनवर, आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है. तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का. हाँ जी अनवर. सर, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए. तो मेरी पोजिशन बिल्कुल क्लियर है. ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है. 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए. बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा. और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता. संजय मिश्रा. लेकिन आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है. ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है. मैं सच्चाई बोलता हूं, राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है. मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं. तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा. चाहे मुझे डिस्क्वालिफाई करें, मारे पीटे, जेल में डालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है. इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है. शांत हो जाइए. इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं. सुप्रिया सर, राहुल सर, बीजेपी के जो लीडर्स आप पे अटैक कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा वायनाड, वहां पर जब से खबर गई है वहां पे लोग बहुत डिसबिलीफ में हैं, प्रोटेस्ट भी इरप्ट हो रहा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है. तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है, तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा. उनका, देखिए बीजेपी के नेताओं का काम यही है. देखिए वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो. नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है, वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं.
तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है? जयनेंद्र, जयनेंद्र, राहुल जी, राहुल जी, पूरी पूरी कांग्रेस पार्टी सर, पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोर्ट ने आपको सजा सुनाई या आपका निलंबन हुआ, ये सब कुछ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है, तो जो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वजह से आपका निलंबन भी हुआ है, इस पर आप क्या देखिए? लीगल मैटर है, लीगल मैटर है। मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ संजीव, अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए। संजीव, 1 मिनट, संजीव, नो लुक, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव बीन डिस्क्वालिफाइड। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us, whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production? Why is the defense ministry not asking this question? Manjari, please, 1 minute, Manjari. बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए, तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? मैं उन सब का, सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। रंजीता, बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है, क्या आपको लगता है, आपको अफसोस है उस बयान को लेकर? क्या कहेंगे उस बयान पर? अब देखिए, अभी ये लीगल डिस्कशन है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। मगर मैं जो भी सवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं। हाँ जी, नीरज। राहुल जी, अभी कुछ ही दिन पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई थी और बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था, अभी उनकी मेंबरशिप रीइंस्टेट नहीं हुई है। सुन लीजिए, हाँ। राहुल जी सुन लीजिए, अभी उनकी सदस्यता रीइंस्टेट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने के बाद उसे रोक दिया था। अगर ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे? मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालिफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा, आपके लिए नहीं अपने लिए। रवि, एक मिनट, रमन, एक मिनट, रमन, इट इज नॉट अप टू मी, इट इज अप टू कांग्रेस प्रेसिडेंट, कौन जाएंगे? राहुल जी, मेरा सवाल, यहाँ बैठे हैं, हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा धंधे का मामला है,
लेकिन धंधे का मामला क्या बात, क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग, जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए, अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए, अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। हाँ सिद्धार्थ सर, राहुल सर, प्लीज मैडम एक मिनट, मैडम मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के सवाल, जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है? यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है, मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए राहुल जी। सिद्धार्थ राहुल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप ये फैसला सामने आया, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसमें हो सकती है वो आपके लिए मुकर्रर की गई। इस बीच कई लोगों ने यह भी कहा, आपके पार्टी के भी एक सांसद ने कहा कि कम से कम जज को ये देखना चाहिए था कि सामने जो शख्स है वो एक गांधी परिवार से आता है। इस पर आप क्या कहेंगे, और आपको लगता है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है आपके केस में, मैक्सिमम पनिशमेंट आपके लिए मुकर्रर की गई, क्या आपको इसके पीछे क्या कहना है आपका? वही मैंने कहा, अगर डिस्ट्रैक्शन करना है मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है, मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते 7 साल होते 10 साल होते वो भी मिल जाता, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार। राजदीप my I have only one step, and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under brutal. Please let me finish, Rajdeep, unless you want to answer it for me. You do that also sometimes. Yeah. So my job, as I see it, is to defend the democratic nature of this country. And I will do whatever I have to do to defend the democratic nature of this country. What does that mean? That means defending the institutions of this country. That means defending the voice of the poor people of this country. That means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani, who are basically exploiting the relationship they have with the Prime Minister. Yeah, Pallavi. Pallavi. Please, one second. Let's go. Look, these are legal matters. It makes me no difference. I told them. It makes me no difference if I'm disqualified, not qualified, whatever. It makes me no difference. Disqualify me. Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. Mr. Gandhi, yeah, Pallavi. Mr. Gandhi, two things here. One, are you worried or apprehensive about the political relevance of, say, the opposition and the Congress? Do I look worried to you? Second, do I look worried to you? I'm excited.
I'm happy that these people have given me the best gift they could give me. And second, Mr. Gandhi, is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then perhaps you wouldn't be facing the law today. Your response to that? My response to that is that when somebody is guilty of something, they want to distract everybody's attention. Right? If you catch a thief, the first thing he says is, I didn't do it. The second thing he says, look there, look there, look there, look there. Right? That's what the BJP is doing. We have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. He does not generate this type of money. So that money has come from someone. All this, OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling, that his relationship with Mr. Adani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed. Nobody is going to stop that. It is going to happen. Because the opposition is going to press this thing until we find the answer. हाँ रवि सिसोदिया जी को दे दो. राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया. पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था. भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया. आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो. क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं. घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं. आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो. देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी हाँ, तो प्लीज प्लीज इफ यू वॉन्ट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट. देन आई विल आंसर यू द सेम वे आई आंसर देम. डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेस मैन. विक्रांत. राहुल जी हवा निकल गई. राहुल जी बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते. अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते. तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है. गांधी किसी से माफी नहीं मांगता. और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए. दो बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए. मुस्कुरा आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता. आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे. तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है. इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं. इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है. और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है. वो फाउंडेशन है. मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं. बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए. मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो. थैंक यू.